नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने नवीन झा को सीने में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गए। जी हां, यह खबर शिवहर जिला के पिपराड़ी के अंबा गांव में अज्ञात अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और दरवाजे पर बैठे नवीन झा को सीने में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए। आपको बताते चले कि ये वही नवीन झा हैं जो पूर्व में दो बार पंचायत समिति के पद पर रह चुके हैं। इनके निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर किया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। इस मामले की खबर सुनते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी और हो हल्ला की माहौल हो गई, जिसमें बीच बचाव करने पुलिस प्रशासन पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कर मामले की छानबीन में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिवहर। कैसे, क्या घटना हुआ, आपका नाम क्या हुआ? आहिर हुसैन। घटना के बारे जानकारी दिया जाए। घटना हुआ जो कि सफ़ेद रंग के अपाची पर तीन आदमी सवार थे, वहाँ आने के बाद रोके हैं, वहाँ पर रोकने के बाद प्रणाम किए। हम लोग को लगा जो कि भाई कोई इनके जानने वाला है, इसीलिए हम लोग वहाँ से हल्का थोड़ा पीछे हुए। वो आने के बाद नवीन झा जी उनसे सिर्फ इतना सवाल किए जो भाई आपका घर कहाँ है। अच्छा। तो बाइक पर जो बैठा था उसने कहा जो कि मेरा घर नया गांव है। अच्छा। और इतने में करते हुए नवीन झा जी जो है ना उनसे उनको संदेह हुआ, उस इतने में वो फायर कर दिया। कितने गोली फायरिंग हुआ है? दो गोली फायर हुआ है। घायल होने पर आप लोग हल्ला किए हैं? हाँ, हल्ला किए हैं। वो गाड़ी भाग गया। गाड़ी कैसे कलर का था? सफेद रंग का अपाची था। अच्छा। कोई नंबर नहीं था सर, बिना नंबर का प्लेट था। बिना नंबर प्लेट का था। प्रशासन कितने देर बाद प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है? प्रशासन यहाँ करीबन डेढ़ घंटा के बाद पहुंचा है। डेढ़ घंटे बाद प्रशासन पहुंचा। यहाँ थाना कितने किलोमीटर दूरी पे है? यहाँ का थाना 3 किलोमीटर दूरी पर है।